Hello students, I am your educator Pooja from ILC. Today we will discuss these topics. First is definition of tradition. Second one is characteristics of tradition. Third one is definition of culture. And last one is characteristics of culture. So let's start with definition of tradition. Tradition represents a critical piece of our culture. They help from the structure and foundation of our families and our society. They remind us that we are part of a history that defines our past, shapes who we are today, and who we are likely to become. Once we ignore the meaning of our traditions, we are in danger of damaging the underpinning of our identity. परंपरा क्या है? परंपरा हमारी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को रिप्रेजेंट करती है या प्रतिनिधित्व करती है. परंपरा हमारे फैमिलीज और हमारे सोसाइटी की नींव और सामाजिक संरचना बनाने में हेल्प करती है या मदद करती है. परंपरा हमें इस बात को याद दिलाती है कि हम सब एक ऐसे इतिहास का हिस्सा रहे हैं जो हमारे पास्ट और शेप यानी कि अतीत और आकार को डिफाइन करती है. एक बार जब हम अपनी परंपराओं को नज़रअंदाज कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान खतरे में पड़ जाती है. जैसे कि अगर हम इंडियन रेफरेंस में बात करें तो सहिष्णुता, टॉलरेंस, जाति व्यवस्था के रूप में उच्चता, निम्नता की भावना जिसे हम हायरार्की या संस्तरण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, संस्कार, धर्म और अलौकिकता पर अधिक विश्वास और ज्वाइंट फैमिली आदि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो भारतीय समाज की क्या रही हैं, मूलभूत विशेषताएं रही हैं. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशन. फर्स्ट इज ट्रेडिशन contributes a sense of comfort and belonging. It brings families together and enable people to reconnect with friends. परंपरा की पहली विशेषता क्या है कि ये जो परंपरा है ना, ये आराम और अपनेपन की भावना का योगदान देती है. ये हमारी फैमिलीज को साथ मिलाती है और लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है या मदद करती है. सेकेंड इज ट्रेडिशन reinforces वैल्यू सच एज फ्रीडम, फेथ, इंटीग्रिटी, अ गुड एजुकेशन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड द वैल्यू ऑफ बींग सेल्फलेस. परंपरा की जो दूसरी विशेषता यह है कि परंपरा क्या है, स्वतंत्रता, विश्वास, अखंडता, अच्छी शिक्षा, व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ, नैतिकता और निस्वार्थता जैसे मूल्यों को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है या मजबूत बनाती है. थर्ड वन इज ट्रेडिशन प्रोवाइड्स अ फोरम टू शोकेस रोल मॉडल्स एंड सेलिब्रेट द थिंग्स दैट रियली मैटर इन लाइफ. परंपरा हमें अपना रोल मॉडल दिखाने में और जीवन में वास्तव में इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ों का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है. मतलब यह है कि हर व्यक्ति का एक रोल मॉडल होता है जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, प्रभावित होता है और वह उसी की तरह अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करता है या गेन करता है. और जब वह उस एम को अचीव कर लेता है तो उसे एक आत्मिक संतुष्टि या सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, मिलता है, जिससे जिसकी उसकी इच्छा रहती है. और यह जो ट्रेडिशन होता है जो इस टेंडेंसी को क्या करता है, हस्तांतरित करता है कि हम किसी महापुरुष की भांति क्या है, बने. थर्ड वन इज ट्रेडिशन ऑफर्स अ चांस टू से थैंक यू फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट समवन हैज मेड. परंपरा उस योगदान के लिए धन्यवाद कहने का मौका देती है जो किसी ने बनाया है. फिफ्थ वन इज ट्रेडिशन एनेबल अस टू शोकेस द प्रिंसिपल्स ऑफ आर फाउंडिंग फादर्स, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एंड यूनाइट एज अ कंट्री. परंपरा हमें अपने संस्थापक यह अपने पिता के सिद्धांतों पर चलना सिखाती है. हमारी फैमिली या हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स के जो सिद्धांत होते हैं, परंपरा हमें वैसा ही करने के लिए प्रेरित करती है और हमें एकजुट होने में मदद करती है. जैसे कि हमारे देश की क्या है, विविधता में एकता है. सिक्स वन इज ट्रेडिशन सर्व्स एज एन एवेन्यू फॉर क्रिएटिंग लास्टिंग मेमोरीज फॉर आर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. परंपरा क्या है, हमारे परिवारों और दोस्तों के लिए स्थायी यादें बनाने के लिए एक मौका देती हैं
या एक अवसर के रूप में कार्य करती हैं। मीन्स परंपरा के माध्यम से हमें ऐसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हो गए हैं, पर्व हो गए हैं, ये क्या होता है, मनाने का अवसर मिलता है, जो हमारी फैमिली और दोस्तों के लिए एक खास अवसर होता है जिसमें हम सब मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और यह हमारे जीवन की अच्छी यादों के रूप में हमेशा हमारे पास रहता है। सेवेंथ वन इज ट्रेडिशन ऑफर एज एक्सीलेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर मीनिंगफुल पॉज एंड रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन ऑफ कल्चर। कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इन सोशोलॉजी बिकॉज सोशोलॉजिस्ट रिकोगनाइज दैट इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आर सोशल लाइफ। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर शेपिंग सोशल रिलेशनशिप, maintaining and challenging social order, determining how we make sense of the world and our place in it, and in shaping our everyday action and experience in society. It is composed of both non-material and material things. Culture यानी कि संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति समाज शास्त्र के अंदर एक महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। मतलब जो संस्कृति है यह सोशोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो समाजशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि संस्कृति का हमारे सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने में, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में और किसी भी प्रकार की चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति यह निर्धारित करती है कि हम इस संसार में, इस समाज में अपनी जगह कैसे बनाएं और अपने रोज़मर्रा के कार्यों और अनुभवों को किस प्रकार समाज में हम प्रस्तुत करें। मतलब क्या है कि जो संस्कृति लोगों में सुधार को या प्रोग्रेस को बताती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक संस्कृति को कुलीन या उच्च वर्ग के लिए उनके जीवन और सभ्यता के उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए संदर्भित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड बी टाइलर, कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट एक्वायर्ड बाई मैन एज अ मेम्बर ऑफ द सोसाइटी। संस्कृति क्या है? संस्कृति जटिल पूर्णता है जो ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकताएँ, कानून, रीति रिवाजों और अन्य क्षमताओं और आदतों को अंतर्निहित करता है, जो मनुष्य द्वारा समाज के सदस्यों के रूप में अर्जित है। According to Ralph Liston, the culture of a society is the way of life of its members, the collection of ideas and habits which they learn, share and transmit from generation. इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो समाज क्या है, एक समाज की संस्कृति इसके सदस्यों के जीवन का तरीका है, विचारों और आदतों का एकत्रीकरण है जिसे वे सीखते हैं, बांटते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं या हस्तांतरित करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज लर्न्ड एंड एन एक्वायर्ड बिहेवियर। कल्चर क्या है? कल्चर की जो पहली विशेषता क्या होती है कि एक सीखा गया और अर्जित व्यवहार होता है। मतलब जो संस्कृति होती है वो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं, लेकिन ये जो ये वंशानुगत या जन्मजात नहीं होती है। मतलब क्या है कि सभी व्यवहार को सीखा नहीं जाता है, लेकिन संस्कृति को क्या करते हैं, हम सीखते हैं। हम जैसे कल्चर में पले बड़े होते हैं वैसे कल्चर को क्या हम करते हैं, सीखते हैं। सेकंड वन इज कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कल्चर क्या है, अमूर्त है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं। संस्कृति को हम देख नहीं सकते हैं। संस्कृति क्या होती है? सोसाइटी के लोगों के मन में या आदतों में मौजूद होती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो संस्कृति है, हम संस्कृति को देख नहीं सकते हैं, जैसे कि हम केवल मानव व्यवहार को देख सकते हैं, संस्कृति को नहीं। कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड, संस्कृति क्या है, संरक्षित होती है। संस्कृति क्या है, इसमें सोचने की, महसूस करने की और व्यवहार करने की जो संगठित क्या होते, ढंग होते हैं, वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट वन इज कल्चर इज वेरिएबल एंड रिलेटिव। संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है, यह एक परिवर्तनशील होता है और सापेक्षिक होता है। मतलब कि जो संस्कृति क्या, निरंतर परिवर्तनशील है, और ये जो परिवर्तनशीलता क्या है, वो संस्कृति का एक मौलिक गुण है।
मतलब कभी कभी कुछ समाज में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और कभी कभी ऐसा होता ही नहीं कि ये बिल्कुल बदलता ही नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ समाज में क्या होता है कि ये जो संस्कृति में जो परिवर्तन होते हैं ये धीरे धीरे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि यह बिल्कुल ही नहीं बदलता है। नेक्स्ट वन इज कल्चर इज परवेसिव, यानी कि जो संस्कृति क्या है वो व्यापक है। संस्कृति व्यापक है और यह जीवन के हर पहलुओं को छूती है। सिक्स वन इज कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, संस्कृति क्या है, जीवन का एक तरीका है। मतलब यह है कि संस्कृति क्या है, ये लोगों के जीवन को जीने का तरीका है या पैटर्न है। मतलब समाज के लोग अपने तरीके से अपने संस्कृति के आधार पर जीते हैं, जैसे कि किसी के कपड़े पहनने का तरीका होता है, किसी का बातचीत करने का ढंग का तरीका होता है। तो ये क्या है, ये लोगों के जीने का अलग अलग तरीका है या पैटर्न है। कल्चर इज ह्यूमन फेनोमेनन, यानी संस्कृति क्या है, एक मानव घटना है या मानव क्रिया है। मतलब यह है इसका कि संस्कृति अपने दम पर कुछ नहीं करती है, यह एक मानवीय घटना या उत्पाद है जो मनुष्यों के द्वारा स्वयं बनाई जाती है। यह व्यक्ति को किसी विशेष तरीके से काम करने के कारण नहीं बनता है, बल्कि संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों या समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसे उन्होंने स्वयं बनाया होता है या अपने पूर्वजों को देखकर या सुनकर बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ मैन, मतलब संस्कृति क्या है, संस्कृति सामाजिक है, किसी भी मनुष्य की व्यक्तिगत धरोहर नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज के सदस्यों के द्वारा ही संस्कृति डेवलप करी गई है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो उसकी विशेषता है वो क्या होती है कि संस्कृति सामाजिक होती है, किसी मनुष्य की व्यक्तिगत धरोहर या प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज कल्चर इज ट्रांसमिटेड अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के सदस्यों में क्या होता है, संस्कृति का संचार होता है। मतलब ये है कि संस्कृति क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिटेड होती है। संस्कृति तौर तरीके व्यक्तियों से व्यक्तियों द्वारा सीखे जाते हैं, जो हम जैसे कि जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं या हम अपने टीचर से सीखते हैं, वो हम क्या करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं या उसको हम हस्तांतरित करते हैं या उसको सिखाते हैं। लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर, भाषा क्या है, संस्कृति का मुख्य वाहन है, यानी कि मुख्य साधन है। कहने का मतलब ये कि अगर भाषा नहीं होती तो हम किसी भी संस्कृति को सीख ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल वर्तमान में नहीं रहता है, बल्कि वह अतीत और भविष्य, यानी कि पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही रहता है। और ऐसा करने में वह कैपेबल क्यों है, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है, भाषा है, उसके पास वह भाषा है जो उसे अतीत यानी का मतलब यानी पास्ट में सीखी गई बातों तक पहुंचाती है, और उस संचित ज्ञान को अगली जनरेशन या पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है या सक्षम बनाती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।